नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसी वर्मा टावर नरौली, तनिष्क के शोरूम के नीचे आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा, और मोबाइल नंबर है 94-15-20-77-28। यहाँ आपको मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जिनसेट और मशीनरी पार्ट्स। तो देर फिर किस बात की, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष आजमगढ़ शीला श्रीवास्तव के पुत्र परिणीत श्रीवास्तव हानी का कहना है कि इस बार वह नगर निकाय चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज आगे 5 साल जनता के बीच में रहकर मेहनत करेंगे, इसके बाद अगली बार फिर से नगर निकाय चुनाव के लिए दावेदारी करेंगे। कहा कि पंचायत चुनाव से समाजवादी पार्टी से जुड़कर ईमानदारी से मेहनत कर रहे थे, इसलिए उन्होंने टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन पार्टी ने जिसे सही समझा उसे टिकट दिया। पार्टी का फैसला सर्वोपरि है। कहा कि मेरे पिताजी स्वर्गीय गणेश श्रीवास्तव और माता शीला श्रीवास्तव सहित पूरे परिवार ने 25 साल तक नगर की सेवा की है और शहर में विकास कार्य कराए हैं। पार्टी ने कुछ माह पहले आए व्यक्ति को टिकट दे दिया, इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। कहा कि पहले चुनाव व्यवहार पर होते थे और जनता समर्थन करती थी, अब साम दाम दंड भेद पर चुनाव होता है और पार्टियां भी ऐसे लोगों को तवज्जो देती है। खानी ने कहा कि निवर्तमान अध्यक्ष श्रीवास्तव के कार्यकाल में कोरोना महामारी और खुद उनके किडनी की बीमारी से पीड़ित होने के कारण विकास कार्य कुछ कम हुए लेकिन कहा कि सपा प्रत्याशी जितना सफल हो पाएंगे इसका फैसला जनता करेगी। मतदान में 1 महीना भी नहीं है, चुनौती बड़ी है। उनके परिवार के 25 साल की सेवा और सपा प्रत्याशी की 2 महीने की सेवा से तुलना नहीं किया जा सकता। परिणीत श्रीवास्तव ने कहा कि इस बार के चुनाव में वह किसी का समर्थन नहीं करेंगे। काफी दिनों से आप प्रयास कर रहे थे और जनता के बीच में बने हुए थे, लेकिन आज समाजवादी पार्टी द्वारा टिकट किसी और को दे दिया गया, क्या? देखिए, पार्टी की जो राजनीति होती है उसमें मैं ईमानदारी से लगा हुआ था। जब जिला पंचायत का चुनाव था विजय यादव जी का माननीय, तब से मैं पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था और मैंने पार्टी के साथ ईमानदारी से काम किया और मेरा मौका भी बनता था। नगर निकाय के चुनाव में मैंने टिकट की दावेदारी की थी। पार्टी का फैसला सर्वोपरि है भाई, उन्होंने जिसको सही समझा उसको अपना टिकट दिया, उसमें मेरी कोई मतलब टिप्पणी नहीं है। अच्छा, आपके साथ नगर में और भी लोग सपा से पुराने समय से जुड़े हुए थे और किसी को टिकट नहीं दिया गया, एक नए प्रत्याशी के रूप में आए थे और उनको टिकट दिया गया पार्टी द्वारा, इस पर क्या? अभी शेष नेतृत्व और यहाँ के जो लोकल नेता हैं, यानी कि 10 विधानसभा हैं यहाँ पे और 10 नेता हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर समझते होंगे कि पार्टी की राजनीति क्या है और किस तरफ बेहतर रहेगी। भाई, हमारे परिवार का जो इतिहास रहा है वो विकास का इतिहास रहा है। हमने जनता की निरंतर सेवा की है और उसमें निस्वार्थ सेवा की, कोई मतलब भाव से नहीं। अगर आप आजमगढ़ नगर पालिका का इतिहास उठा के देखेंगे, पिताजी से, माताजी से, और मैं, माताजी की तबीयत जब से ख़राब है, निरंतर प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा हूँ और निस्वार्थ काम करता हूँ, तो उससे ये आपको ये दिखेगा कि एक जनता में जो हम लोग का भाव है वो दूसरे तरह का कार्य करने का भाव है, न कि किसी और तरह का। विकास हो आजमगढ़ जिले का, यही हमारे परिवार का ध्येय रहा है और आगे भी रहेगा। जिस तरह से किसी राजनीतिक परिवार से आकर नए लोगों को टिकट देना सपा के लिए, तो क्या लगता है आपको आने वाले चुनाव में किस तरह से इनका प्रदर्शन रहेगा और कहीं ना कहीं इतना सफल हो पाएंगे अपने राजनीतिक करियर? मेरा देखिए, उनके लिए कोई वो नहीं है, मेरा उनसे भी संबंध है ऐसा कोई, मतलब उनके लिए मेरा पर्सनली वो नहीं है। वो भी टिकट के दावेदार थे, मैं भी टिकट का दावेदार था। उनको पार्टी ने इतना बड़ा मौका दिया है, उन्हें मेहनत करनी चाहिए। पार्टी की जो मतलब वो राजनीति कर रहे हैं, मेरा अपना जो काम है, मैं जनता की सेवा करना है, मैं जनता की सेवा करूंगा, उनके प्रति मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। तो क्या लगता है कि बिना राजनीतिक जीवन से आए केवल पैसे के दम पे वो आजमगढ़ की जनता के बीच वोट हासिल कर पाएंगे? अब ये तो भाई महीना भर भी नहीं है, आप सबके सामने सारी चीज़ें रहेंगी, वक्त आपको सब कुछ उसका जवाब दे देगा, क्योंकि वक्त से बलवान कुछ नहीं है। अभी केवल 2 महीने हुआ राजनीति में आए हुए उनको, और केवल पैसे के दम पे चुनाव जीत पाएंगे? ये तो जनता को सोचने का विषय है, जनता अपना बखूबी सोचेगी और इसका जो भी फैसला है वो जनता बखूबी देगी। आप 1 महीने का समय भी नहीं है, मात्र 20 दिन में सारी चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि बहुत कम समय सरकार ने दिया है। और आप परिवेश देख रहे हैं, राजनीतिक परिवेश आज की डेट में कितना बदल चुका है। लोगों का जो मानसिकता है वो विकास कार्यों से हट के दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा शिफ्ट हो गया है। तो इस तरह की मतलब जो राजनीति होती है उसमें कौन ज़्यादा फायदा उसका उठा सकेगा, ये तो वक्त बताएगा। तो इसका मतलब चुनाव आप नहीं लड़ेंगे? नहीं, मेरा आजमगढ़ की सम्मानित जनता और सभी नगरवासियों, आप बड़े भाइयों, सबसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरी माता जी की तबीयत जो है इस वक्त बहुत ख़राब है और पिछले 2.5-3 साल से मैं उनको लखनऊ में उनका रेगुलर इलाज करा रहा हूँ। मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, पार्टी की पॉजिटिव राजनीति की थी, मेरा कर्तव्य था कि मैं पार्टी के लिए पार्टी से अपना टिकट मांगूं, और मैंने मांगा भी और मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उसका मुझे कोई वो नहीं है। मैं
निरंतर जिस तरह मेरे पिताजी सेवा करते थे जनता की, आम जनता की, मैं 5 साल सेवा करूंगा और उसके बाद फिर चुनाव लड़ूंगा। आजमगढ़ की जनता का साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन इस बार चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा। अभी उन्होंने बयान दिया है कि